यह गलत नीति है, मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ। सभी शिक्षक संघ विरोध करते हैं। चुनावी लॉलीपॉप है इसको, सरकार चुनावी लॉलीपॉप के नाम पे हम लोग शिक्षक अभ्यर्थियों को बर्बाद करने का काम कर रही है। शिक्षा मंत्री जी का माथवा काम नहीं करता है, वो एक बार तय कर ले कि कितना बार एग्जाम ले। नमस्कार, आप देख रहे बिहार इंसॉर्ट्स, मैं हूँ आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि आज कैबिनेट की बैठक में 1,78,000 शिक्षकों का पद सृजन करने का घोषणा कर दिया गया और वेतनमान भी तय कर दिया गया। अब इसके बाद जो स्टेट पास अभ्यर्थी हैं वो सामने आए हैं। आज 1,78,000 शिक्षकों का पद सृजन करने की घोषणा कर दी गई सरकार की तरफ से। सरकार बहुत ही गलत नीति अपना रही है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। सरकार जो सोच रही है उस मंसूबे पे हम लोग नहीं चलने देंगे। 4,00,000 सीट थी, हर सभा में हर मन से यही नीतीश बाबू यही तेजस्वी बाबू बोलते थे कि 4,00,000 शिक्षकों की भर्ती करने जा रहे हैं। आज 1,78,000 और उसमें भी एस्टेट सीटेट बीटेट और पिछले 8,00,000 शिक्षक जो नियुक्त हैं उनको भी उसी में फॉर्म भराएंगे। यह गलत नीति है, मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ। सभी शिक्षक संघ विरोध करते हैं। सरकार होश में आए, हम लोग प्रतियोगिता परीक्षा पास थे, ST-19 प्रतियोगिता परीक्षा जब पास है तो फिर एग्जाम की क्यों बात है और सीट क्यों घट गई? 6-8 में सीट है ही नहीं, मैं इसका विरोध करता हूँ। सब सड़क से सदन तक हम घेरेंगे। अच्छा मंत्री कह रहे हैं ना कि आप लोगों को पढ़ाना है तो फिर एग्जाम देने में आप लोगों को दिक्कत क्या है? अब गुणवत्तापूर्ण शिक्षक जाएंगे, आप लोग एग्जाम देके जाइए। शिक्षा मंत्री जी का माथवा काम नहीं करता है, वो एक बार तय कर ले कि कितना बार एग्जाम ले, कितना बार। मैं एग्जाम से नहीं डरता हूँ, मैं अभी भी दे सकता हूँ, लेकिन एक ही एग्जाम को पास करने के लिए आप 10 बे दीजिएगा। नहीं ना, कोई नीति है ना, कोई सिस्टम है ना, कोई नियम होता है ना। नियम के तहत एक नियुक्ति के लिए एक एग्जाम होता है, जो मैंने ST-19 विज्ञापन के अनुसार दिया, मैं मेरिट में आया, हमें नियुक्ति होनी चाहिए। मैं एग्जाम से नहीं घबराता हूँ। शिक्षा मंत्री जी को आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, अगर ये बात है तो वो कल चुनाव जीत ले, वो भी तो अच्छा काम कर रहे हैं। चुनाव नहीं जीतेंगे। अरे तोरी के, अच्छा काम करें तो जीत जाएंगे। इतना घटिया काम कर रहे हैं कि उनको शिक्षा पे काम करना चाहिए तो रामचरितमानस पे करते हैं, मनुस्मृति पे काम करते हैं। अगर आप चुनाव कल लड़ लीजिए तो मैं भी एग्जाम दे दूंगा। सिस्टम के अनुसार 5 साल पे चुनाव होता है, हम लोग भी सिस्टम के अनुसार एग्जाम दिए हैं, पास किए हैं, हमको नियुक्ति मांग रहे थे तो नया नियमावली थोप दिया गया, मैं इसका विरोध करता हूँ। नियमावली का विरोध करता हूँ जी। अच्छा 4,00,000 की बात की गई थी, 1,78,000 दिया गया, तो तेजस्वी यादव साहब कितना उम्मीद है? कोई उम्मीद नहीं है। आपने जो ठग के वोट लिया हर युवा से, आपको युवा ना बता देगा, 2024 में भी बताएगा, 2025 में। अरे आपको थोड़ा समझ में नहीं आता है, ये चचा जो है आपके बाबुओं जी को खा गए। ए चचा, बाबूजी को जेल में भेजे थे ना, है अभी बीमारी में चले गए बाबूजी, आपका करियर बर्बाद कर देंगे। चचा जी का तो रिटायरमेंट है, चल जाएंगे छोटा कमंडल लेकर कैलाश, आपका कीजिएगा, आपका करियर बर्बाद कर दिया है। आप शिक्षा विभाग अपने अंदर रखे तो युवा को नौकरी देते ना, चटनी चटा रहे हैं। इस चटनी का मैं कड़ा विरोध करता हूँ। सरकार होश में आए और जल्द से जल्द ST-19 सीटेट बीटेट को 7वां चरण प्रारंभ करे। अगर नहीं सरकार बातें सुनती है तो फिर हम सभी शिक्षक संघ रोड पे उतर रहे हैं 5 मई से, देखते हैं सरकार में कितना ताकत है। 5 मई से उतरिएगा फिर से, एकदम अभी उतरे आप लोग पर लाठी बरसाएंगे। ओ फर्क नहीं पड़ता है, लोकतंत्र में विरोध होता है, विरोध करना मेरा काम है और सरकार लाठी चलाना काम करते रहे, मैं न्यायालय के भी शरण में जा रहा हूँ। न्यायालय भी पटकेगी सरकार को, क्योंकि अधिकारों का हनन किया जा रहा है। आप बताइए, 4,00,000 की बात की गई थी, 1,78,000 पद सृजन किया गया, घोषणा कर दिया गया, ये हम लोग को बेवकूफ बनाने का प्रयास किया जा रहा है जी। ये बेवकूफ ने बना दिया गया, आप 4,00,000 की बात करते थे, 1,18,000 सीटों पर आपने मोहर मार दी, 1,18,000 सीट पर मोहर मारी, तो इसमें नियुक्ति नहीं कर रहे हैं, इसको डिले करने के लिए आप फिर से BPSC आयोग से परीक्षा लेने की बात कर रहे हैं। आप हम लोग तो परीक्षा देकर के आए थे, इतना क्राइम टाइम प्रतियोगिता परीक्षा देकर के आए थे, आप फिर से डिले करने के लिए परीक्षा में लेना चाहते हैं और परीक्षा के नाम पर देखिएगा यह मामला 2425 तक लटकाना चाहते हैं। मतलब बस चुनावी लॉलीपॉप थमा दिए हैं, ये चुनावी लॉलीपॉप। आप भी जानते हैं कि बिहार की परीक्षा कितने डिले होती है, आप ये मामला पहले तो फॉर्म भराएगा, परीक्षा होगा, फिर मामला कोर्ट में डाला जाता है। चुनावी लॉलीपॉप, ये चुनावी लॉलीपॉप है इसको सरकार चुनावी लॉलीपॉप के नाम पे हम लोग शिक्षक अभ्यर्थियों को बर्बाद करने का काम कर रही है। हम लोग सरकार को ये बता चैलेंज करना चाहते हैं कि आप अभी से भी चेत जाइए, नहीं तो हम सभी युवा आपको बता देंगे कि हम युवा शक्ति है। या जान लीजिए, जिस ओर जमाना चलता है, जिस ओर जवानी चलता है, उस ओर जमाना
जमाना चलता है, तो हम लोग युवा कमर कस चुके हैं, हमारी नियुक्ति नहीं होती है, तो फिर आपके विरोध में हम लोग बिहार में घूम घूम करके आपका ढोल पीटेंगे और आप बिहार में घूमिएगा, पूरे बिहार में घूमेंगे चुनाव के समय और बताएंगे इनके नाकामियों के कैसे इन्होंने हम लोग को बर्बाद करने का काम किया, कैसे इन्होंने बिहार के बच्चों गरीब बच्चों को ठगने का काम किया, कैसे इन्होंने बिहार के भविष्य को बर्बाद करने का काम किया। चलिए, तभी आपने देखा मेरे साथ स्टेट पास अभ्यर्थी थे, आपको बता दें कि आज बिहार कैबिनेट की बैठक में जो 1,78,000 शिक्षकों का पद सृजन करने की घोषणा कर दी गई, उसके बाद जो शिक्षक अभ्यर्थी एक बार फिर से आग बबूला, अगर इनके साफ साफ कहना है कि 4 लाख की बात की गई थी, उसके बाद भी 1,78,000 दिया जा रहा है, और साफ साफ इन लोगों का कहना है कि जो नई नियमावली सरकार लाई है उस नियमावली का हम लोग विरोध करते हैं, अगर सरकार इस नियमावली को वापस नहीं लेती है तो आने वाले 5 तारीख को सभी शिक्षक सड़कों पर उतरेंगे और आने वाले 2024 और 25 के चुनाव में इस सरकार को हम लोग बता देंगे। साफ साफ कहते दिख रहे हैं कि जिस तरीके से आज जो 1,78,000 पदों का सृजन किया गया, ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी लॉलीपॉप है। और भी इनका क्या कुछ कहना था आपने इस वीडियो में देखा, बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ अपने साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।